हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ रक्षाबंधन स्पेशल मोतीचूर के लड्डुओं की बहुत ही शानदार रेसिपी, वो भी बहुत ही खास टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए बिना कोई देर की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कटोरी बेसन। बेसन आप जहाँ तक हो सके बारीक वाला ही लें, अगर बारीक वाला ना हो तो आप मीडियम साइज़ वाला ले लें, ज़्यादा मोटा बेसन आप ना लें, इससे कि आपकी बूंदी अच्छी बनेगी बारीक बेसन से। सबसे पहले हम इसे अच्छे से छान लेंगे। ये देखिए मैंने बेसन को छान लिया है बड़े से बर्तन में। जितना आपने बेसन लिया है उतना ही आपको इस बेसन के अंदर पानी लगेगा टोटल। फिलहाल मैंने इसके अंदर आधी कटोरी डाला है। आधी कटोरी डालकर आप इसे विस्कर की मदद से बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लें। आप चाहे तो एक आम चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें गुठलियाँ ज़्यादा रहने के चांस होते हैं, इसलिए मैं यहाँ विस्कर की हेल्प से मिक्स कर रही हूँ। बस आपको कैसे भी करके इसमें किसी भी तरह की कोई गुठली नहीं रखनी है। ये देखिए मैंने इसके अंदर ऑलमोस्ट पानी जो है वो डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस तरह से अच्छे से मिक्स करते जाना है और बहुत ही पतला सा बिल्कुल पॉरिंग कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना है। ये देखिए बिल्कुल ना के बराबर पानी बचा है, सारा पानी हमने इसके अंदर यूज़ कर लिया है। ये देखिए हमारा बैटर इस तरह से बिल्कुल पतला होना चाहिए, सिर्फ इतना होना चाहिए कि सिर्फ चम्मच के ऊपर ये सिर्फ चिपक सके, इतना पतला। ये देखिए मैंने सारे बैटर को इस ग्लास के अंदर ले लिया है ताकि हमें बूंदी बनाने में आसानी हो। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ये बिल्कुल इस तरह से टपकता हुआ होना चाहिए। अब हमें सबसे पहले तेल को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लेना है और ये मैंने यहाँ पर बूंदी वाला जारा लिया है। जो मार्केट में बेसन वाली बूंदी आती है बस वही वाला जारा है मेरे पास। ज़रूरी नहीं कि ये सबके पास हो, जिसके पास हो वो लोग यही यूज़ करें, जिसके पास नहीं हो वो ये वाला चम्मच यूज़ करें, छेद वाला। ऑलमोस्ट ये सभी के घर में होता है। अगर ये भी नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह पे कोई भी एक पॉलीथीन ले सकते हैं, जैसे अपन कोण बनाते हैं बस उसी तरीके से कोण के अंदर आप बेसन को डालें बैटर को और कढ़ाई के अंदर ऐसे गिराते हुए जाएं। ये देखिए मैंने आधे से ज़्यादा बैटर जो है जारे के अंदर डाल दिया है और इस तरह से आपको जारे को हल्का हल्का सा टैप करते हुए जाना है और सारी बूंदी इसके अंदर गिरती जाएगी, ये अपने आप ही शेप ले लेगी। और जिस टाइम पर आप बूंदी डाल रहे हैं उस टाइम पर आप गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम कर दें। ये देखिए मैंने आधे से ज़्यादा बैटर इसके अंदर डाल दिया है। मैंने जितना बैटर लिया है उस हिसाब से सिर्फ दो बार में ही हमारी सारी बूंदी बनकर रेडी हो जाएगी। अभी मैंने गलती से आधे से ज़्यादा बैटर इसके अंदर डाल दिया है। आधा आधा करके आप दो बार बैटर डालें अगर आप भी मेरे जितना ही मिक्सचर बना रहे हैं तो, मेरे जितने ही लड्डू बना रहे हैं तो। मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेंगे और आपकी बूंदी जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी। जब तक ये क्रिस्पी ना हो तब तक आपको इसको फ्राई करना है और 3 से 4 मिनट ही लगेंगे इसको क्रिस्पी होने में। ये देखिए हमारी बूंदी जो है क्रिस्पी हो गई है। आप एक बूंदी को हाथ में लेकर तोड़कर चेक करके देखें कि आपकी बूंदी जो है क्रिस्पी हुई है या नहीं। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी बूंदी बनकर तैयार हुई है। ये काम आप कोण से भी कर सकते हैं, आप कोण में भी बेसन भर के और उसके बाद बना सकते हैं, उससे आपकी बूंदी जो है वो बहुत ही बारीक बनेगी। आप किसी भी तरह का जारा ले सकते हैं, किसी भी तरह की छेद वाली बोतल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप बूंदी इस जारे से ही बनाएं। ये देखिए बारीकी का बचा हुआ बैटर भी हम इसके अंदर डाल देंगे और जहाँ तक हो सके आप थोड़ा थोड़ा बैटर करके ही इसे इसके अंदर डालें, इससे कि आपकी बूंदी जो है वो बहुत ही परफेक्ट बनेगी। अगर आपसे बूंदी परफेक्ट नहीं बन रही है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हमें इसको आगे चल कर पीसना ही है, इसीलिए थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा शेप भी होगा। अगर किसी भी आप चीज़ से बना रहे हैं बूंदी तो भी चलेगा, लेकिन मेरे पास ये बूंदी वाला जा रहा था इसीलिए मेरी बूंदी जो है वो बहुत ही अच्छी बनी है, बिल्कुल परफेक्ट बूंदी लग रही है मार्केट जैसी। ये देखिए ये सेकंड बेच की जो बूंदी है ये और भी ज़्यादा पहले वाली बेच से भी ज़्यादा खिली हुई है, खिली खिली सी बूंदी है, बिल्कुल परफेक्ट। ये ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार मैंने कम बैटर डाला था। जितना कम बैटर आप डालेंगे उतनी अच्छी आपकी बूंदी बनेगी। ये देखिए एकदम खिली खिली सी क्रिस्पी सी बूंदी बनी है हमारी। अब सबसे पहले हम इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। अगर इस तरह से आपकी बूंदी चिपक भी जाती है तो भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी बूंदी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पर लिया है एक बड़ा सा ग्राइंडर जार। यहाँ पर खास टिप ये है कि जब आप इसे पीसें तो इसे मोटा दरदरा ही पीसना है और इसे पल्स मोड पर पीसना है। मुश्किल से 2 सेकंड पीसना है, फिर बंद करना है, फिर 2 सेकंड पीसना है और बंद करना है। मुश्किल से 4 से 5 सेकंड ही लगेंगे इसको पीसने में
और आपका ये मिक्सर जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आप इसे बहुत ज़्यादा ध्यान से पीसें क्योंकि ये बहुत ही जल्दी कुछ ही सेकंडों में बिल्कुल बारीक पाउडर हो जाता है, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर मोतीचूर के लड्डू बना रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, नॉनस्टिक पैन, आप यहाँ पर लोहे की कढ़ाई या फिर स्टील की कढ़ाई भी ले सकते हैं। उसके अंदर मैंने डाली है ये एक कटोरी चीनी, और जितनी आप चीनी ले रहे हैं उसका बराबर आधा आपको यहाँ पर पानी लेना है। मैंने यहाँ पर एक कटोरी से थोड़ी सी कम चीनी ली है, आप चाहे तो पूरी एक कटोरी चीनी भी ले सकते हैं, जितना बेसन उतनी चीनी, बस पानी आपको चीनी का आधा लेना है। अब हमें चीनी और पानी को पहले अच्छे से गर्म कर लेना है, सिर्फ गर्म करना है बस। जैसे पानी के अंदर उबाल आए हमें इसके अंदर दो इलायची का पाउडर डाल देना है, और साथ का साथ हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा ये ऑरेंज फूड कलर, इससे कि हमारे लड्डुओं का कलर जो है बहुत ही अच्छा आए। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मुश्किल से 2 मिनट या 2.5 मिनट ही लगेंगे, सिर्फ चीनी में अच्छे से घुल जानी चाहिए पानी के अंदर। इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल भी तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ ये चिपचिपी सी होनी चाहिए। और जैसे ये चिपचिपी सी हो जाए, चीनी अच्छे से घुल जाए 2 से 2.5 मिनट बाद, और ये सारा मिक्सर जो है हम इसके अंदर डाल देंगे। और स्टार्टिंग में आपको ये लिक्विड लगेगा, लेकिन मुश्किल से 2 मिनट बाद ही ये बैटर जो है काफ़ी थिक हो जाएगा, और आपको थोड़ा इसको लिक्विड कंसिस्टेंसी में ही रखना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। अगर आपको थोड़े से गीले गीले लड्डू चाहिए तो आप इसे 1.5 से 2 मिनट बाद ही बंद कर दें। अगर आपको थोड़े से टाइटनेस में लड्डू चाहिए तो आप इसे 2.5 से 3 मिनट तक पकाएं लो टू मीडियम फ्लेम पर, और लास्ट में आप इसमें ऐड कर दें 1 चम्मच या फिर 1 से 2 चम्मच देसी घी। और लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ ये खरबूजे के बीज, जो कि डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालें वरना कोई बात नहीं, आप इसके बिना भी मोतीचूर के लड्डू बना सकते हैं। थोड़े से बीज और कम लग रहे हैं, मैं इसके अंदर थोड़े से बीज और डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, अब इसका ढक्कन लगा कर इसे 5 से 10 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये हल्का सा गुनगुना ना रह जाए तब तक इसे रेस्ट करने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ढक्कन लगा कर, थोड़ा सा ठंडा करना है हमें इसे। ये देखिए 10 से 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर जो है ठंडा हो चुका है, और मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसके फटाफट से लड्डू बनाएंगे, और लड्डू बनाना बहुत ही आसान होता है, आपको 2 हाथ इसमें नहीं लगेंगे, आप 1 हाथ से ही बहुत ही अच्छे से प्यारे से लड्डू बना पाएंगे। अब मोतीचूर के लड्डू बनाने की एक खास टिप और आपको देना चाहूँगी, आप बूंदी को जितना मोटेपन पे, जितना दरदरेपन पे पीसते हैं, आपके मोतीचूर के लड्डू भी उसी तरह से दानेदार और बिखरे बिखरे बनेंगे। अगर आपने गलती से भी बूंदी को ज़्यादा पीस दिया तो आपके मोतीचूर के लड्डू में मोती नज़र नहीं आएंगे बस, और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपके लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस से बनेंगे। डिपेंड करता है कि आप बूंदी को कितने अच्छे से पीसते हैं। मोतीचूर के लड्डू बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है, और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं, बहुत ही झटपट से बनकर ये तैयार हो जाते हैं। और इस रक्षाबंधन आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बस मेरी इन छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को ध्यान रखिएगा। बस मैंने इसी तरह से सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए, आप देख सकते हैं हमारे लड्डू कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने यम्मी से लग रहे हैं। मैं आपको एक लड्डू तोड़कर भी बताती हूँ। मैंने यहाँ पर बूंदी को थोड़ा सा ज़्यादा बारीक पीस लिया था, बस इसीलिए इसमें बिल्कुल छोटी छोटी सी जो बूंदी नज़र आती है वो बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है, थोड़ी ज़्यादा बारीक बारीक बूंदी हो गई है। अगर आप बहुत ज़्यादा दरदरा रखते हैं तो आपके मोतीचूर के लड्डू थोड़े ज़्यादा मोती वाले दिखेंगे। मिठाई को मैं और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर इस तरह के जो मिठाई पैक करने के जो पेपर कप या फिर पेपर बाउल आती है वो यूज़ कर रही हूँ, इससे कि आपकी मिठाई और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी और देखते से इसको खाने का मन करेगा, क्योंकि ये खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और सर्विंग आप इस तरह से करेंगे तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, देख कर इसको मुँह में पानी आ जाएगा। ये लड्डू बहुत ही कम घी में बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक मिठाई का डब्बा ले लिया है, इसके अंदर एक प्लास्टिक की शीट बिछा रही हूँ, और इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी ये सारे मोतीचूर के लड्डू, ताकि किसी को पता ना चले कि मैंने घर पर बनाए हैं। और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब इसी तरह की अच्छी अच्छी और ईजी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।